हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस मकान की साइज है 22 फीट बाई 45 फीट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी मकान की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 22 फीट। 22 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है और पीछे के साइड अदर प्रॉपर्टी के न्यूर का प्लॉट आया हुआ है। और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लेंथ की, यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 45 फीट। 45 फीट हमारे पास मकान की लंबाई हो जाएगी, तो 22 × 45 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा। तो चलिए इसके सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 9 फीट का मेन गेट। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 15.5 फीट। 10 फीट चौड़ाई के अंदर और 15.5 फीट लंबाई के अंदर है ये हमारा पार्किंग है। और इस तरफ हमारे पास स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 6 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग होगा। पार्किंग के सीधे आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास घर का मेन डोर है 4 फीट का। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 15.1 इंच, जिसकी 5 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा स्टोर रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 4.7 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। स्टोर रूम से बाहर आते हैं तो मेन डोर के जिस पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते डाइनिंग और लिविंग एरिया और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 9 इंच, और इस किचन की 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया और सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसके हमारे पास साइज है 9 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 6 इंच, 9 फीट 9 इंच चौड़ाई के अंदर और 15.5 फीट लंबाई के अंदर है ये हमारा बेडरूम है, जिसकी 5 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट 1 इंच बाई 10 फीट का अटैच टॉयलेट है, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। अटैच टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा बेडरूम, इस बेडरूम से बाहर आते हैं इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसके हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट है। 10 बाई 10 का हमारा बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ ही कहता हूँ। तो 22 फीट बाई 45 फीट हमारे पास मकान की साइज है। यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट रहेगा, मेन गेट से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो पार्किंग, इस तरफ स्टेयर केस, किचन, यहाँ पर घर का मेन डोर, यह डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट, स्टोर, ये हमारा बेडरूम और ये बेडरूम और इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।